गुड मॉर्निंग ऑल, वेलकम टू लर्नर्स अकेडमी। सो वी स्टार्टेड मिसलेनियस यस्टरडे एंड टुडे इज द सेकंड पार्ट इफ आई एम नॉट रॉन्ग। करेक्ट, थर्ड पार्ट। दो पार्ट में हमने अब 6 क्वेश्चंस किए। अच्छा, एक दिन अपन ने बीच में स्टार्ट किया था। सो एनीवेज, कुल मिला के हमने मिसलेनियस एक्सरसाइज एंड सीक्वेंस की बात करें तो चैप्टर नंबर 10 चल रहा है। मिसलेनियस एक्सरसाइज 10 का हमने 6 क्वेश्चंस कर लिए, सातवां देखना। राइट, सातवां भी हो गया तो आठवां देखना। चलो आठवां देखते हैं। शो दैट द पॉइंट्स दिस 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 आर कोलिनियर एंड फाइंड द रेशियो इन विच बी डिवाइड्स ए सी। पहला काम करना है आपको ए को, बी को और सी को कोलिनियर प्रूव करना है, पहला काम। और जब वो कोलिनियर प्रूव हो जाए तो फिर अगर तीन पॉइंट्स कोलिनियर होते हैं, अगर तीन पॉइंट्स कोलिनियर होते हैं तो उसमें सेक्शन फार्मूला एप्लीकेबल हो जाता है। तो फिर सेक्शन फार्मूला की मदद से आपको बी ए सी को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है वो रेशियो ऑफ डिवीजन पता करना है। वो कुछ भी पूछ सकता है, वो ए बी सी को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है ये भी पूछ सकता है, वो सी ए बी को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है। जैसे सपोज करो ये ए बी सी, एक बार अगर ये कोलिनियर प्रूव हो गए तो तीनों पॉइंट्स बचे हुए दो को किसी न किसी रेशियो में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे इसमें बी जो है ए सी को कुछ किसी न किसी रेशियो में इंटरनली डिवाइड कर सकता है, ए जो है बी सी को किसी न किसी रेशियो में एक्सटर्नली डिवाइड कर सकता है, और सी भी है किसी न किसी रेशियो को एक्सटर्नली डिवाइड कर सकता है। तो आज जब हम जैसे एक्सटर्नल डिवीजन सीख चुके हैं तो फिर तो तीनों ही पॉइंट बचे हुए दो पॉइंट्स को इंटरनली या एक्सटर्नली किसी न किसी रेशियो में डिवाइड कर सकते हैं। तो रेशियो अगर पॉजिटिव आ जाए तो कह देंगे इंटरनली डिवाइड कर रहे हो, रेशियो अगर नेगेटिव आ जाएगा तो कह देंगे कि एक्सटर्नली डिवाइड कर रहे हैं। इतना सा काम करना है, समझ आया? ओके, उससे पहले अपने को प्रूव करना है कि तीन पॉइंट्स कोलिनियर हैं। तो पॉइंट्स कोलिनियर प्रूव करने के बहुत सारे तरीके हमने सीखे थे। सबसे आसान तरीका जो था वो क्या था बताओ? सबसे आसान तरीका जिससे बहुत जल्दी हम कोलिनियरिटी चेक कर लेते हैं, द थ्री गिवन पॉइंट्स आर, बोलो सबसे आसान तरीका। अच्छा, अगर ये कोलिनियर नहीं निकले तो सेक्शन फार्मूला इज नॉट एप्लीकेबल, फिर कोई भी एक पॉइंट बचे हुए दो पॉइंट्स को इंटरनली एक्सटर्नली डिवाइड नहीं, फिर वो ट्रायंगल बना रहे हैं अगर वो कोलिनियर नहीं तो। और ट्रायंगल बना रहे हैं तो फिर सेक्शन फार्मूला कोई रोल उसमें है नहीं, ठीक है? द थ्री गिवन पॉइंट्स आर, पर वो चेक नहीं करवा रहा, वो शो करवा रहा है। शो करवा रहा है दैट मीन्स कर रहे हैं, 100% कर रहे हैं, बस हमको प्रूव करना है। राइट, थ्री गिवन पॉइंट्स आर दिस कॉमा दिस एंड दिस। हाँ बताओ, कोलिनियरिटी प्रूव करने का सबसे आसान तरीका। मतलब समझा नहीं। वेक्टर ए भी निकालें, फिर वेक्टर बी सी, फिर इनका सम कर लें, मैग्नीट्यूड निकालेंगे। मैग्नीट्यूड से करोगे मतलब आवा ना, मैग्नीट्यूड किसी भी दो वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड का सम तीसरे वेक्टर के मैग्नीट्यूड से बराबर हो जाए, ठीक है? तो ये तो तरीका है ही सही। अब जो बाकी तरीके हैं उसमें भी वेक्टर ए बी बी सी ए सी तो निकालना ही पड़ेगा, वेक्टर तो निकालना ही पड़ेगा है ना? तो वेक्टर तो निकाल लेते हैं, और वेक्टर इसलिए भी निकालना पड़ेगा क्योंकि नीचे बी डिवाइड्स ए सी है, तो उसमें भी वेक्टर ए सी, वेक्टर ओ ए, वेक्टर ओ सी, ये उसमें तो फिर अलग वेक्टर निकलेंगे। उसमें तो पोजीशन वेक्टर्स निकलते हैं, सेक्शन फार्मूला में तो ए के, सी के और बी के पोजीशन वेक्टर्स निकलेंगे जो कि यही होंगे, बस आई कैप जे कैप के कैप अलग, तो वो डिफरेंट मैटर है। चलो पहले तो अपन वेक्टर्स बनाते हैं ना। सो बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ, लिख देना आप, यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ वैक्टर ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स, वैक्टर ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स के कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल करते हुए वी हैव वैक्टर ए बी, कुछ आएगा वैक्टर बी सी, कुछ आएगा एंड वैक्टर ए सी भी कुछ आएगा, और फिर लगे आते उनका मैग्नीट्यूड भी निकाल लेंगे है ना, वैक्टर ए बी बी सी ए सी। सो वैक्टर ए बी बताओ 5 माइनस 1, यानी अभी अपन मिसलेनियस में तो मैं डायरेक्ट कर सकता हूँ ना, कर दिया कई बार ये काम, 0 माइनस माइनस 2 इज प्लस 2, जे कैप -2 प्लस -2 --8 -2 +8 +6, के कैप बी सी निकालो, 11 माइनस 5 इज 6, आई कैप 3 माइनस 0 इज 3, जे कैप 7 माइनस -2 यानी 7 प्लस 2 9, के कैप ए सी निकालो, 11 माइनस 1 10, आई कैप 3 माइनस -2 यानी +5, जे कैप एंड 7 माइनस -8 15, 7 प्लस 8 15, के कैप डन। ओके, अब आप देखो मैग्नीट्यूड से तो आप कर ही सकते हो, बट आसान तरीका क्या था एक और याद है आपको? आसान तरीका ये था कि कोई भी वेक्टर अगर किसी दूसरे वेक्टर का लैम्डा टाइम्स है ना, प्रोपोर्शनल है, प्रोपोर्शनल है तो फिर वो क्या होगा, कोलिनियर होंगे। तो यू कैन सी जो ये 6 3 9 है और ये 4 2 6 है,
तो 4 को अगर मैं 2 बाय 3 से मल्टीप्लाई करूं तो ये 6 आ सकता है, या फिर ऐसे देखो 4 बाय 6, 2 बाय 3 और 6 बाय 9 का रेशियो सेम है, फिर 6 बाय 10, 3 बाय 5 और 9 बाय 15 का रेशियो सेम है, और फिर 4 बाय 10, 2 बाय 5 और 6 बाय 15 का रेशियो भी सेम है। तो ऐसे भी कर सकते हो, नहीं तो मैग्नीट्यूड वाले तरीके से भी कर सकते हो। सो टेल मी कौन से तरीके से करना चाहेंगे अभी हम? बोलो। सेकंड मतलब मैग्नीट्यूड, प्रोपोर्शनैलिटी, प्रोपोर्शनैलिटी चेक करना। तो उसके लिए फिर हमको प्रोपोर्शनैलिटी चेक करना है आपको। तो फिर 4 जो है 6 का कितना टाइम से बताओ? 2 टाइम्स का है, 4 का 2 गुना 6 होता है। चलो ऐसे देखो आप, फिर इसमें म्यूचुअली चेक करना पड़ेगा, ये से और ये से, है ना। हेयर पहले वेक्टर ए बी एंड वेक्टर बी सी के लिए चेक करते हैं। 4 वेक्टर ए बी एंड वेक्टर बी सी, ठीक है ना, इन दोनों के स्केलर कंपोनेंट्स को कंपेयर करें तो 4 बाय 6 इक्वल टू 2 बाय 3 होता है, वो 2 बाय 3, और 6 बाय 9 भी क्या होता है? 2 बाय 3 होता है, ठीक है ना। सो वैक्टर ए बी एंड वैक्टर बी सी आर कोलिनियर, आर कोलिनियर, ठीक है ना। ये हो गया एक पार्ट। अब फॉर वैक्टर बी सी एंड एक्स सी, फॉर वैक्टर बी सी एंड ए सी, बताया तीसरा चेक करने की जरूरत नहीं, अब बताते हैं क्यों। बस बी सी ए सी चेक कर लो, तो इसके स्केलर कंपोनेंट्स को कंपेयर करो। तो 6 बाय 10 रफली सोचो क्या होता है, 3 बाय 5 ही होता है ये, अगला 3 बाय 5 आ ही रहा है, और 9 बाय 15 को भी 3 से काट दो तो 3 बाय 5 इक्वल टू 3 बाय 5। तो यहाँ से क्या कंक्लूजन आएगा? सो वैक्टर बी सी एंड ए सी आर कोलिनियर। अब आप खुद सोचो, तीसरा चेक करने की जरूरत पड़ेगी क्या? करो तो आपकी मर्जी, लेकिन मुझे बताओ ए बी और बी सी कोलिनियर है। वैक्टर्स की दुनिया में कोलिनियरिटी का मतलब होता है दोनों एक ही लाइन के पैरल है, बी सी ए सी भी एक ही लाइन के पैरेलल है, तो फिर ए बी और ए सी भी तो एक ही लाइन के पैरेलल होंगे, ठीक है ना। तो हमको लिखने की जरूरत नहीं है ए बी एंड ए सी के लिए, ठीक है। चलो तो यहाँ से मैं क्या कहूँगा, हेंस हेंस इसको चाहो तो आप स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 मार्क कर दो, स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2। सो फ्रॉम 1 एंड 2, सो फ्रॉम स्टेटमेंट 1 एंड 2 वी गेट दैट वैक्टर ए बी, वैक्टर बी सी एंड वैक्टर ए सी, ऑल ऑफ द 3 वैक्टर्स आर कोलिनियर, वैक्टर बी सी एंड वैक्टर ए सी आर कोलिनियर। और अगर 3 वैक्टर्स कोलिनियर हैं तो वो 3 वैक्टर्स जिन पॉइंट्स से बने हुए वो पॉइंट्स भी कोलिनियर होंगे। सो हेंस फाइनली वी कंक्लूड दैट पॉइंट्स ए बी सी आर कोलिनियर, पॉइंट्स ए कॉमा बी एंड सी आर कॉलिनियर। तो ये फर्स्ट पार्ट खत्म होता है सवाल का, है ना। अब सेकंड पार्ट चले, सेकंड पार्ट में अब अपने को क्या करना पड़ेगा, रेशियो की बात करनी पड़ेगी। तो फिगर वैसे बनाना है, बट फिगर हमको भी पता नहीं है कि एक्सटर्नली डिवीजन होगा या इंटरनल डिवीजन होगा, तो फिगर के लिए स्पेस छोड़ देता हूँ मैं, फिर देखेंगे, है ना। अभी अपन क्या करेंगे, अच्छा पूछा है उसने साफ साफ यही पूछा है कि बी ए सी को किस रेशियो में डिवाइड करेगा। तो आप तीनों के पोजिशन वैक्टर्स निकालो, किस किस के, ए के, सी के और बी के, है ना। हेयर पोजिशन वैक्टर्स ऑफ 3 पॉइंट्स ए बी सी आर गिवन बाय, पोजिशन वैक्टर्स ऑफ 3 वैक्टर ऑफ 3 पॉइंट्स, 3 पॉइंट्स ए कॉमा बी एंड सी आर गिवन बाय वैक्टर ओ ए, वैक्टर ओ ए, वैक्टर ओ बी, उसको सिंगल लेटर से भी मार्क करते थे याद करो, है ना। तो आप जो पॉइंट ऑफ डिवीजन है उसको तो वैक्टर आर, है ना, जो पॉइंट ऑफ डिवीजन है उसको वेक्टर आर, और जो बचे वेक्टर है उनको स्मॉल ए और स्मॉल बी से मार्क करते थे, है ना। ऐसे करते थे कि नहीं करते थे याद है? तो ओ ए को स्मॉल वेक्टर ए कह दें सेक्शन फॉर्मूला की एप्लीकेबिलिटी के लिए, है ना। वेक्टर ए जिसको अपन वेक्टर ओ ए कह सकते हैं, वेक्टर बी जिसको अपन वेक्टर ओ सी कहेंगे, है ना। एंड पॉइंट्स ये दोनों मान रहा है वो, और बी को पॉइंट ऑफ डिवीजन मान रहा है, तो उसको वेक्टर आर कहते थे, वेक्टर ओ बी, ओके। तो इनके पोजिशन वेक्टर्स निकाल लें हम, तो ए के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं वही, इसके बस आई कैप जे कैप के कैप रख दो, ओरिजिन से कनेक्ट करेंगे तो कुछ फर्क पड़ेगा क्या? तो ओ ए तो क्या हो जाएगा, सिंगल आई कैप -2 जे कैप -8 के कैप। नाउ ओ सी को देखो, 11 आई कैप +3 जे कैप +7 के कैप, और ओ बी को देखो, 5 आई कैप प्लस
जीरो जे कैप माइनस टू के कैप, डन। ओके, इतना काम तो हुआ। अब जो रेशियो जब भी निकालना होता था तो हम रेशियो ऑफ डिवीजन को लैम्डा एस टू वन या के एस टू वन मानते थे, याद करो। रेशियो जब भी निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, लैम्डा रेशियो वन या के रेशियो वन मान लेते हैं, ठीक है। और अगर नहीं गिवन होता है तो बस उसकी वैल्यू पुट अप कर देते हैं ना। तो लेट द रेशियो ऑफ डिवीजन बी, लेट द रेशियो ऑफ डिवीजन इन विच वेक्टर आर डिवाइड्स वेक्टर ए एंड बी, बी बी लैम्डा एस टू वन माने या के एस टू वन, टेल मी। के एस टू वन, ठीक है। सो बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, अब मैं सेक्शन फॉर्मूला की एप्लीकेबिलिटी देख रहा हूँ। बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला वी हैव, बोलो सेक्शन फॉर्मूला क्या कहता था। अब इंटरनल लगाऊं या एक्सटर्नल, सर मुझे क्या पता। तो आप तो इंटरनल लगाओ, अगर रेशियो ऑफ डिवीजन पॉजिटिव आया तो इंटरनली लगाया था और इंटरनली सही निकल गया, और अगर नेगेटिव आ गया तो फिर वो एक्सटर्नली है, ठीक है। और हम उल्टा भी कर सकते हैं, हम एक्सटर्नली लगा दें और उसमें रेशियो ऑफ डिवीजन पॉजिटिव आ गया तो यानी 100% वो था भी एक्सटर्नली, और उसमें नेगेटिव आ गया तो मतलब वो इंटरनली, यानी कि पॉजिटिव आ जाए तो जो सोचा था वही है और नेगेटिव आ जाए तो जो सोचा था उसका उल्टा है, ठीक है। तो हम सिंपल इंटरनली लगा देते हैं। बाय सेक्शन फॉर्मूला वी हैव, सो इंटरनल सेक्शन फॉर्मूला क्या था, वेक्टर आर निकालने के लिए क्या करते थे, एम बी वैक्टर प्लस एन ए वैक्टर डिवाइड बाय सम ऑफ रेशियोज एम प्लस एन। इसके आगे लिख देना एम इज टू एन की वैल्यू है ये, ठीक है। एम की वैल्यू क्या है, एन की वैल्यू वन। चलो तो वैक्टर आर निकालना नहीं है, वो है मेरे पास ऑलरेडी, ये रहा है ना, दैट इज पुट अप कर दो वैल्यूज। वैक्टर आर क्या है, फाइव आई कैप प्लस जीरो जे कैप माइनस टू के कैप, ये ऑलरेडी है मेरे पास। और उसके बाद आओ एम की वैल्यू क्या है, के, एम की वैल्यू इज के इंटू बी वैक्टर क्या है, बी वैक्टर ये रहा इलेवन आई कैप प्लस थ्री जे कैप प्लस सेवन के कैप, ये तो हो गई किसकी वैल्यू, बी की इलेवन आई कैप, ठीक है। ये तो हो गई बी की वैल्यू प्लस एन ए, एन ए तो एन क्या है, एन तो है वन इंटू ए क्या है आई कैप माइनस टू जे कैप माइनस एट के कैप, ठीक है ना, ये वन से मल्टीप्लाई हो रहा है, होल डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशियोज यानी एम प्लस एन यानी के प्लस वन। अब यहाँ से के सॉल्व करना ये हमारा टास्क है ना, तो नेक्स्ट पेज पे आ जाओ। क्या करूँगा, पहले तो के से इसको और वन से इसको मल्टीप्लाई कर दूँ और के प्लस वन से इधर मल्टीप्लाई कर दूँ, तो थोड़ा सा एक स्टेप इधर हो सकती है, देखो। तो के प्लस वन से इधर मल्टीप्लाई कर दें, बोलो तो क्या हो जाएगा, फाइव के, फाइव के प्लस फाइव टाइम्स आई कैप, फाइव के प्लस फाइव टाइम्स आई कैप, जीरो से खत्म हो जाएगा जीरो जे कैप, और माइनस माइनस प्लस लगा के अंदर माइनस ले जाओ ना, माइनस टू के माइनस टू टाइम्स के कैप, समझ आया, ठीक है, समझ आया, बोलो। मल्टीप्लाई कैसे किया, सावधानी हटी दुर्घटना घटी, के प्लस वन को फाइव से करो फाइव के प्लस फाइव, के प्लस वन को जीरो से किया जीरो, के प्लस वन को माइनस टू से किया माइनस टू के माइनस टू, ठीक है। ओके आ जाओ, अब इधर इलेवन के प्लस वन, ये वन है ना, तो इलेवन के प्लस वन टाइम्स आई कैप, फिर आओ थ्री के माइनस टू इंटू वन माइनस टू, तो थ्री के माइनस टू टाइम्स जे कैप, और फाइनली के कैप बताओ प्लस के बताओ सेवन के, सेवन के कैप नहीं, सेवन के, सेवन के माइनस एट टाइम्स के कैप, सेवन के माइनस एट टाइम्स के कैप, थोड़ा कंजस्टेड हो गया पर दिख रहा है ना। तो अब क्या करेंगे, दो वेक्टर्स इक्वल कब होते हैं, जब उनके स्केलर कंपोनेंट्स इक्वल हों, तो वी विल इक्वेट ईच एंड एवरी स्केलर कंपोनेंट, सबसे के की वैल्यू सेम आनी चाहिए, अगर वो के की वैल्यू सेम आ रही है तो आंसर है, और अगर गलत आ रही है तो दो बातें होंगी, या तो हम सवाल गलत है या हमारा सॉल्यूशन गलत है, ठीक है, अंडरस्टूड है। ओके चलो, तो अब स्केलर टू स्केलर कंपेयर करते हैं, इम्प्लाइज, तो पहले का स्केलर कंपोनेंट्स है फाइव के प्लस फाइव और उधर है इलेवन के प्लस वन, फाइव के प्लस फाइव
इक्वल टू 11K+1, ऐसे ही किया था हमने लास्ट टाइम भी। मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ डिफरेंट भी किया था क्या इसमें। चलो एनीवेज, अभी जो कर रहे हो वो भी सही है एक तरीके से, ठीक है। 5K+5 इक्वल टू, एंड सेकेंड जे के कंपेयर करो तो 0 इक्वल टू 3K-2, 0 इक्वल टू 3K-2, एंड के कैप कंपेयर करो, के कैप कंपेयर किया तो -2K-2 इक्वल टू 7K-8, -2K-2 इक्वल टू 7K-8, राइट। तो तीनों से निकालते हैं के की वैल्यू, इम्प्लाइज इम्प्लाइज इम्प्लाइज। तो इधर इसको उधर भेजूँ, 11 में से 5 गया तो 6K इक्वल टू 4, इसमें करो 3K इक्वल टू 2, इसमें करो -2 यानी 9K, और 8 को उधर भेजा तो 8-2 यानी 6। यहाँ से K क्या आएगा, 4/6 यानी कि 2/3, यहाँ से K सिंपली 2/3 आ ही रहा है, आ रहा है। और यहाँ से K क्या आएगा, 6/9, K इक्वल टू 6/9, दैट इज ऑल्सो इक्वल टू 2/3। सो यू कैन सी ईच एंड एवरी इक्वेशन गिव्स द सेम वैल्यू ऑफ K। सो हेयर K इक्वल टू 2/3 इन ऑल द केसेस, इन ऑल द केसेस, हेंस रिक्वायर्ड रेशियो ऑफ डिवीजन, हेंस रिक्वायर्ड रेशियो ऑफ डिवीजन, रेशियो ऑफ डिवीजन दैट इज, हमने एम इज टू एन माना था, जिसकी वैल्यू के इज टू 1 मानी थी, के की वैल्यू 2/3 आ गई, सो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 3 वी विल गेट 2:3 आंसर। अब रेशियो पॉजिटिव आया, और पॉजिटिव आया और हमने इंटरनली माना था, यानी 100% वो इंटरनली ही है। मैं क्या कहूँगा, सो वी कैन कंक्लूड दैट पॉइंट बी डिवाइड्स ए सी, पॉइंट बी डिवाइड्स ए सी इन द रेशियो 2:3 इंटरनली, इन द रेशियो 2:3 इंटरनली। वर्ड लगाना मत भूलना बिकॉज यू आर इन क्लास 12, ऐसा नहीं कि सर नहीं लगाए तो चलेगा, या नहीं स्पेसिफिकली मेंशन करना, रेशियो पूछा है तो ठीक है, दिया हुआ तो भी लिखना है वो तो। हाँ मैच करो आंसर, 2:3 मैच हो गया। इसमें वो किसी और का देख रहे थे आंसर, आप किसका देख रहे हो, आप सप्लीमेंट्री देख रहे हो पहले, अभी कॉम्प्लीमेंट्री करो, द वन विच इज कंपल्सरी, पहले उसको ध्यान दो, ठीक है। 2:3 इंटरनली करेक्ट, इसका फिगर हमने बनाया नहीं, बनाना चाहो तो एक स्ट्रेट लाइन बना के और इस तरीके से बना सकते हैं कि लेट्स से ABC था, है ना, ABC, ठीक है। फिर पोजिशन वेक्टर्स बना दो तीनों को, ओरिजिन कहीं भी मान के, OA OB OC। अब वेक्टर OA को वेक्टर A करके जो भी हमने लिखा था, वेक्टर OC को वेक्टर B करके हमने जो भी लिखा था, और वेक्टर B को हमने वेक्टर R करके जो भी लिखा था लिख देंगे, और फिर AB:BC हमने रेशियो माना है K:1, ये फिगर बना सकते। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9th, फाइंड द पोजिशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट R विच डिवाइड्स द लाइन ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स P एंड Q, हुज पोजिशन वेक्टर्स आर दिस एंड दिस एक्सटर्नली इन द रेशियो 1:2, ऑल्सो शो दैट पी इज द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट आर। तो अगेन ये सेक्शन फॉर्मूला पर बेस्ड क्वेश्चन है, और यहाँ पे रेशियो एक्सटर्नली क्लियर कट गिवन है, ठीक है। पढ़ते हैं एक बार फिर से क्वेश्चन क्या है, फाइंड द पोजिशन वैक्टर ऑफ ए पॉइंट आर, आर एक पॉइंट है उसका पोजिशन वैक्टर निकालो, यानी वैक्टर ओ आर निकाल के बताओ, विच डिवाइड्स द लाइन ज्वाइनिंग टू पॉइंट पी एन क्यू, जो पी और क्यू को ज्वाइन कर रहा है और एक्सटर्नली ज्वाइन कर रहा है, एक्सटर्नली ज्वाइन करके रेशियो क्या रख रहा है, 1:2। तो ये रेशियो कैसा है, प्रॉपर या इम्प्रॉपर, प्रॉपर। तो प्रॉपर में टर्मिनल साइड एक्सटेंशन होता है, या इनिशियल साइड एक्सटेंशन होता है, या टर्मिनल साइड एक्सटेंशन होता है, याद करो, इसका तो क्लियर कट गिवन है तो फिगर बनाएंगे बनाएंगे। बोलो, लेट्स से ये है पी क्यू, एक्सटर्नली बाहर तो जाएगा, एक्सटर्नली है, लेकिन क्यू की साइड से जाएगा या पी की साइड से जाएगा, सवाल ये है। उधर मतलब Q
पी या क्यू इनिशियल या टर्मिनल, टर्मिनल पॉइंट की तरफ से जाएगा, क्यों? क्योंकि रेशियो क्या है, 1:2। गलत, जब रेशियो फ्रैक्शन होता है तो इनिशियल पॉइंट से एक्सटेंशन होता है। अभी देखो करके दिखाता हूँ, लेट्स से कि ये है पी क्यू, ठीक है, थोड़ा और छोटा कर दूँ, ठीक है, लेट्स से दिस इज पी क्यू, तो आप एक्सटेंशन करो देखो, और इसको लिख लो आर, इतना ही करना जितना पी क्यू है। 1:2 में हमेशा मिड पॉइंट आता है हमेशा, है ना, इसे रिजल्ट याद करो। जब एक्सटर्नल रेशियो डिवीजन 1:2 है तो एक पॉइंट बाकी होगा मिड पॉइंट होगा, एक एंड पॉइंट पॉइंट ऑफ डिवीजन और बचे हुए एंड पॉइंट का मिड पॉइंट निकल के आएगा, ठीक है। अब ये कैसे हुआ देखो, तो ये आर हो गया, और अब देखो रेशियो क्या है, आर जो है पी क्यू को, आर जो है पी क्यू को डिवाइड कर रहा है, तो कैसे लिखेंगे, आर पी बाय आर क्यू, बोलो, आर पी बाय आर क्यू इक्वल टू 1/2। तो आर से लेके पी वन है, आर से लेके क्यू टू है, ओके, आर से लेके पी वन है। देखो होगा जगह होगा कुछ भी नहीं, अगर आप वैसे भी कर लोगे जैसे आप क्यू से एक्सटेंशन कर लोगे तो फिर भी आप पकड़ तो लोगे कि यार मैंने गलती करी है, लेकिन आपका टाइम वेस्ट होगा, क्योंकि आप उधर से एक्सटेंशन करोगे फिर आप देखोगे यार ये ज़्यादा ये कम कर दिया, उल्टा कर दिया मैंने, तो आप अगले ही फुर्सत में उसको सही तो कर लोगे लेकिन टाइम तो वेस्ट हो गया ना, और फिर काटा पिटी हुई जो अलग, ठीक है। देखो आर से लेके पी वन है और आर से लेके क्यू दो है, तो ये एक है वो दो है, तो वो बचा हुआ ये भी एक होगा, तो ये एक और एक होगा तो पीस का मिड पॉइंट नहीं होगा क्या, होगा ना। तो जब भी एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ डिवीजन 1:2 हो तो उसमें कोई ना कोई किसी ना किसी का मिड पॉइंट जरूर है, ये याद रखना है ना, एज ए रिजल्ट, ठीक है। चलो जी, तो ये तो आप पी क्यू आर को डिवाइड कर दिया हमने, और नहीं तो फिर डायरेक्ट याद करना ही है कि अगर रेशियो प्रॉपर है जैसा हमको पसंद होता है तो इनिशियल पॉइंट के साथ, और इम्प्रॉपर है उल्टा है 2:1 है तो फिर एक्सटर्नल वो टर्मिनल पॉइंट्स की तरफ से एक्सटेंशन होगा। अब इनके पोजिशन वैक्टर्स बना देते हैं, तो लेट्स से मैं ओ यहाँ मार्क कर देता हूँ, ठीक है, तो पोजिशन वैक्टर थोड़ा पास ही कर दो, ठीक है। तो लेट्स से ये इसका पोजिशन वैक्टर, ये इसका और ये इसका, ठीक है। अब पढ़ते हैं एक बार किसका क्या पोजीशन वेक्टर गिवन है, विच डिवाइड्स द लाइन जॉइनिंग टू पॉइंट्स पी एंड क्यू, हूज पोजीशन वेक्टर आर दिस एंड। तो पी का पोजीशन वेक्टर है वेक्टर 2a+2b, पी का यानी कि ये रहा है ना, तो पी और क्यू को हम ए और बी मानेंगे, ए और बी, फिर वो प्लस की जगह माइनस आ जाएगा बस उसमें, है ना। क्या गिवन है, टू टाइम्स वैक्टर ए प्लस बी वैक्टर, और बी का, अच्छा सॉरी, ए और बी का इस्तेमाल तो इसने इधर ही कर दिया, ठीक है ना। इसके पोजीशन वेक्टर देखो, अभी तक पोजीशन वेक्टर आई कैप जे कैप के कैप फॉर्म में मिलता था, अभी पोजीशन वेक्टर कंपोनेंट फॉर्म में नहीं है, दो वेक्टर्स के अल्जेब्रिक फॉर्म में है, और वो दो वेक्टर्स भी ए और बी हैं, तो मैं इसका जो ए और बी नाम रखता था वो तो इसी ने इस्तेमाल कर लिया, तो मैं कुछ भी नहीं करूंगा ना, सिंपली इसका नाम लिख दो, क्या है 2a, और चाहो तो COD रख दो, लेकिन इतना भी क्यों फंसना है ना। आई कैप जे कैप कैप तो वैसे भी गिवन नहीं है, तो टू ट्वाइस ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, और ओ क्यू की वेक्टर फॉर्म क्या गिवन है, वेक्टर ए माइनस 3b, वेक्टर ए माइनस 3 टाइम्स वेक्टर बी, डन। और वेक्टर आर की तो मुझे निकालनी है ना, पोजिशन वेक्टर ऑफ आर ये तो मुझे निकालना है, दिस इज वॉट वी नीड टू फाइंड। तो जब निकालना होता है तो सिंपली अप्लाई कर दो, देखो कैसे, यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, पहले आप लिख देना हेयर द पोजिशन वैक्टर्स ऑफ वैक्टर पी, द पोजिशन वैक्टर्स ऑफ पॉइंट आर, ऑफ पॉइंट आर नहीं, पॉइंट आर नहीं, पी एंड क्यू, ऑफ पॉइंट पी एंड क्यू आर गिवन एस, अब इनके सिंगल लेटर में नहीं लिखेंगे, इनकी सिंपली पोजिशन वेक्टर्स कैसे लिखेंगे, वेक्टर ओ पी जो अपन ए और बी लिखते थे ना वो नहीं लिखेंगे, वेक्टर ओ पी और वेक्टर ओ क्यू, तो ओ पी कितना गिवन है, ट्वाइस ऑफ वेक्टर ए प्लस सिंगल वेक्टर बी, और ओ क्यू कितना गिवन है, सिंगल वेक्टर ए माइनस 3 टाइम्स वेक्टर बी, ठीक है। रेशियो ऑफ डिवीजन क्या गिवन है, ऑल्सो ऑल्सो रेशियो ऑफ डिवीजन, एक्सटर्नल रेशियो ऑफ डिवीजन है ना, मेंशन करो क्लियर कर, एक्सटर्नल रेशियो ऑफ डिवीजन, तो आज के क्वेश्चन थोड़े से लेंदी जरूर है ना, है इजी, दैट इज एम इज टू एन, दैट इज एम इज टू एन कितना गिवन है, ये 1:2, ये भी गिवन है,
ओके नाउ अब निकालें आर के पॉइंट, आर के पोजिशन वेक्टर की वैल्यू निकालें नाउ बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला द पोजिशन वैक्टर ऑफ द पॉइंट, द पोजिशन वैक्टर ऑफ पॉइंट ऑफ डिवीजन आर, ऑफ पॉइंट ऑफ डिवीजन आर इज गिवेन बाय वेक्टर ओ आर कहेंगे हम इसको, वैसे तो सिंगल लेटर आर भी कह सकते हैं लेकिन वेक्टर ओ आर ही चलें, तो वो सब सबको अपने किसी को भी सिंगल लेटर में नहीं रखा ना, क्या होता है वो फॉर्मूला एम बी, लेकिन बी तो कुछ रखा ही नहीं मैंने, तो बी ये है सेकेंड वाला टर्मिनल पॉइंट, तो ओ क्यू लिख दो उसको, ठीक है माइनस एक्सटर्नल बेटा एन टाइम्स वैक्टर ओ पी डिवाइडेड बाय एम माइनस है, बस पुट द वैल्यूज एंड फाइंड द आंसर, एम की वैल्यू है 1 और ओ क्यू, ओ क्यू क्या है ये रहा वैक्टर ए माइनस 3 टाइम्स वैक्टर बी माइनस एन की वैल्यू है 2 और ओ पी वाइस ऑफ वैक्टर ए प्लस सिंगल टाइम्स वैक्टर बी डिवाइडेड बाय एम माइनस एन एंड 1 माइनस 2, करें सॉल्व, सो ए माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे सेम विल गेट द सेम वैल्यू, माइनस 2 से करो माइनस 4 टाइम्स वैक्टर ए और माइनस 2 टाइम्स वैक्टर बी डिवाइडेड बाय माइनस 1, ओके ए में से माइनस 4 ए गया तो माइनस 3 और डिवाइडेड बाय माइनस 1 करेंगे तो 3 ए, माइनस 1 से डिवाइड भी कर दिया मैंने है ना, ठीक है माइनस 1 है ना नीचे, माइनस 3 बी माइनस 2 बी माइनस 5 बी और माइनस 1 से डिवाइड कर दिया प्लस 5 बी, आप दो स्टेप में कर देना चाहिए, तो ये फाइनल आंसर मेरा चेक करो, वेक्टर ओ आर का पोजिशन वेक्टर निकल चुका है। अब एक और पार्ट है इसमें कि शो करो पी इज द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट दिस, सही है, अब हमको शो करना है कि पी इज द मिड पॉइंट ऑफ वैक्टर ओ क्यू, ओ और आर नहीं क्यू और आर है ना, तो मैं क्या करूंगा मैं इसे मान लेता हूँ उसका मिड पॉइंट निकालता हूँ, मैं क्यू और आर का मिड पॉइंट निकालने जाता हूँ और जैसे मैं क्यू आर का मिड पॉइंट निकालूंगा तो सेम वही निकलेगा जो पी गिवन, तो प्रूव हो जाएगा, कई सारे तरीके इस तरीके से करें सही है, सो लेट अस नाउ फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ द पॉइंट आर क्यू, आर क्यू का मिड पॉइंट निकालते हैं और देखते हैं उसका उसका आंसर ऐसा ही निकलता है कि नहीं निकलता जैसा भी है, ठीक है ना, नाउ टू फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट आर क्यू, टू फाइंड द मिड पॉइंट, मिड पॉइंट का नाम रख देते हैं हम हाल फिलहाल के लिए एस, मिड पॉइंट का नाम हम हाल फिलहाल के लिए रख देते हैं एस है तो वो वही पी, लेकिन निकाल रहे हैं तो उसको कुछ नाम तो देंगे, एंड मिड पॉइंट एस ऑफ द लाइन सेगमेंट आर क्यू, आर क्यू ठीक है ना, वी यूज मिड पॉइंट केस ऑफ सेक्शन फॉर्मूला, मिड पॉइंट केस यूज कर सकते हैं ना उसमें, तो सीधा दोनों का एवरेज ले लेते थे, मिड पॉइंट केस ऑफ सेक्शन फॉर्मूला एज बिलो, एज बिलो तो कैसे यूज करते थे टेल मी, एस को मिड पॉइंट माना है मैंने तो वेक्टर ओ एस कैसे निकलेगा, ओ पी नहीं आर और क्यू है, वेक्टर ओ आर प्लस एवरेज ले लो वेक्टर ओ क्यू डिवाइडेड बाय 2, तो ओ आर कल तक नहीं था अभी तो है, ओ आर क्या है 3 a + 5 b, 3 a + 5 b प्लस क्यू, क्यू तो कल भी था आज भी है, क्या है a माइनस 3 b, a माइनस 3 b डिवाइडेड बाय 2, तो करो 3 a + a 4 a, 4 a का आधा 2 a और 5 b - 3 b 2 b का आधा सिंगल b और ये एज इट इज वेक्टर ओ पी है, चेक करो ये एज इट इज वेक्टर ओ पी है, ओ पी यही तो आ रहा है 2 a + b आ रहा है, लेकिन यहाँ पे 2 a + b हमारा क्या आ रहा है, हमारे भी प्लस ही आ रहा है, हाँ ठीक है तो मुझे लगा शायद माइनस आ रहा है, ठीक है सो दैट इज इक्वल टू पॉइंट, सो वी कंक्लूड दैट, वी कंक्लूड दैट पी इज द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट आर क्यू, प्रूव्ड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट आर क्यू प्रूव्ड, ठीक है समझ आया, तो दोनों क्वेश्चन जो आज हमने किए दोनों लेंदी हैं बट इजी हैं, कुछ है ही नहीं है ना, रिवीजन करवा दिया एक तरीके से इसने, ठीक है नया क्वेश्चन नहीं अभी तक है ना, मिसलेनियस नहीं कह सकते इसको, तो बस थोड़ा सा रिवीजन करवा दिया, द टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर दिस एंड दिस, फाइंड अ यूनिट वेक्टर पैरेलल टू इट्स डायगोनल,
ऑल्सो फाइंड इट सही रिया। तो देखो ये फिर थोड़ा सा नया लग रहा है तो खैर ये भी इजी। एक पैरेललोग्राम बनाता हूँ, एक पैरेललोग्राम की टू एडजेसेंट साइड्स की बने, कोई भी दो एडजेसेंट साइड्स मान सकता हूँ मैं। लेट्स से पैरेललोग्राम इज ए बी सी डी, तो कोई भी दो एडजेसेंट साइड लाइक ए बी ए डी मान लो, लाइक ए बी बी सी मान लो, लाइक बी सी सी डी मान लो, या सी डी ए डी मान लो, चार ऑप्शन है। तो मैं अभी इजी करते हुए ए बी ए डी मान लेता हूँ, मान लो। तो उसकी दो एडजेसेंट साइड्स आर गिवन बाय, जो भी वैक्टर गिवन है लिख देता हूँ, ये और ये है ना, टू आई कैप, और उसका नाम भी दे देते हैं अपन, वैक्टर ए और वैक्टर बी नाम दे दें, वैक्टर ए इक्वल टू क्या गिवन है, टू आई कैप -4j प्लस 5k, और दूसरी एडजेसेंट साइड्स लेट दिस बी बी, और उसकी वैल्यू है आई कैप -2j -3k। ये हो गई दो एडजेसेंट साइड्स। और अगर आप इसको वेक्टर का नाम दे रहे हो तो वो को इनिशियल भी होनी चाहिए ना, को इनिशियल होनी चाहिए। दैट मीन्स यहाँ एरो लगाओ बी पे, ये वेक्टर ए बी है और ये वेक्टर ए डी है, डन। ए शुड बी द इनिशियल पॉइंट। अब आगे देखते हैं, फाइंड द यूनिट वेक्टर। एक यूनिट वेक्टर निकालो, मतलब एक ऐसा वेक्टर निकालो जिसकी मैग्नीट्यूड वन हो, यानी उसका कैप निकालो जो कि पैरेलल हो। तो देखो कभी भी वेक्टर निकलवाता है तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दो चीज़ें देता है, मैग्नीट्यूड तो दे दिया उसने यूनिट, अब डायरेक्शन क्या कह रहा है, डायगनल जैसी डायरेक्शन हो, इसी पैरेललोग्राम का डायगनल बनाओ, उसकी जो डायरेक्शन है वो उसकी डायरेक्शन हो, समझ आया। सो जैसे मैं डायगनल बनाता हूँ, डायगनल ए सी बनाऊंगा क्योंकि आपने ए बी और ए डी लिया है, तो डायगनल भी आप एसी लोगे। अगर आपने ए बी और बी सी लिया तो डायगनल बी सी बी डी लोगे, अगर आपने बी सी और सी डी लिया है तो फिर डायगनल सी ए लोगे, है ना, डिपेंड करेगा आपने एडजेसेंट साइड्स कौन सी ली। तो मैं डायगनल ए सी ले लूँ, ठीक है, तो ए सी डायगनल के पैरेलल। तो ए सी डायगनल की डायरेक्शन चाहिए आपको, तो ए सी डायगनल की कंपोनेंट फॉर्म चाहिए, मतलब ए सी वैक्टर ए सी की कंपोनेंट फॉर्म चाहिए होगी, यानी यूं कहूँ वैक्टर ए सी निकालना पड़ेगा। अब पैरेलोग्राम में वैक्टर ए सी कैसे निकलता है बताओ, सोचो। एक पैरेललोग्राम की अगर एडजेसेंट साइड्स गिवन है तो उसके डायगनल वाला वेक्टर कैसे निकलेगा, तो एरिया के लिए हो तो अगला क्वेश्चन है, द टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी आर गिवन एस, सोचो भाई। वेक्टर ए जिसको वेक्टर ए बी कहा है, वेक्टर बी जिसको वेक्टर ए डी कहा, सो वेक्टर ए बी इज टू आई कैप -4j +5k। वेक्टर बी जिसको हमने ए डी कहा है, आई कैप -2j -3k। एक पैरेललोग्राम की डायगनल ही निकालनी आती, फिर पैरेललोग्राम लो नहीं सीखा, मतलब आपने दो लो सीखे थे अपने सम ऑफ वेक्टर्स करने के, क्या कौन कौन से थे दोनों लो, नहीं दो लो कौन कौन से थे, एक ट्रायंगल लो था एक पैरेललोग्राम। ट्रायंगल लो क्या कहता है कि तीसरी साइड उन दोनों का सम होता है, पैरेललोग्राम लो क्या कहता है डायगनल उन दोनों का सम होता है, तो ये डायगनल दोनों का सम है, दैट्स इट। बोलो ट्राइंगल को क्या कहता है कि अगर दो साइड्स गिवन है ट्राइंगल की तो तीसरी साइड उन दोनों वेक्टर्स का सम होगा, और पैरेललोग्राम लो क्या कहता है अगर दो एडजेसेंट साइड्स गिवन है तो उस इनिशियल पॉइंट से निकलने वाला डायगनल उन दोनों का सम होगा। कैसे किया था हमने ये, ए बी वैक्टर को आगे शिफ्ट कर दें हम ऐसे, कैसे पैरेलल डिस्प्लेसमेंट करते हुए, तो ये ट्राइंगल बन गया, ठीक है। सो नाउ पहले तो हम डायगनल ऐसे निकाल लेते हैं, नाउ यूजिंग पैरेललोग्राम लो ऑफ वैक्टर एडिशन, यूजिंग पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, यूजिंग पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, द डायगनल ए सी, द डायगनल ए सी ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी इज गिवन बाय, ए बी सी डी इज गिवन बाय, वेक्टर फॉर्म लिखनी है इसकी, गिवन बाय। सो उसको हम लेट्स से वेक्टर सी का नाम दे देते हैं ना, वेक्टर सी इक्वल टू क्या है ये, वेक्टर ए सी, और कैसे निकलेगा ये, इन दोनों का सम करना पड़ेगा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी करना पड़ेगा, वेक्टर ए प्लस बी करो, एक ही स्टेप में कर देता हूँ मैं, 2 + 1 3i कैप
-4 -2 -6 ये क्या, और बोलो 5 -3 2 के क्या, आ गया डायगोनल, सी वेक्टर आ गया। अब इससे डायरेक्शन लेनी है और मैग्नीट्यूड 1 यूनिट लेना है, तो बस सी कैप ही आंसर हो जाएगा। इसकी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड 1, तो अगर मैं इसका सी कैप निकाल लूँ तो उसकी डायरेक्शन इससे मैच करेगी और उसका मैग्नीट्यूड 1 होगा। ठीक है, खत्म कर दें। सो नाउ यूनिट वेक्टर पैरेलल टू वेक्टर सी, पैरेलल टू द डायगनल दैट इज वेक्टर सी, पैरेलल टू द डायगनल ए सी दैट इज वेक्टर सी इज गिवन बाय सी कैप, गिवन बाय सी कैप इक्वल टू, और वेक्टर गिवन है तो सी कैप उसका यूनिट वेक्टर निकालना कौन सी बड़ी बात है, कैसे निकालते हैं वेक्टर को, उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे। सो 3i कैप -6j कैप +2k कैप, बताओ उसका मैग्नीट्यूड 3 स्क्वायर प्लस -6 का स्क्वायर +2 का स्क्वायर, तो करो 3i कैप -6j कैप +2k कैप, और 9 कितना हुआ बताओ, 9 + 36 45 +49 √49 यानी 7, तो 7 से डिवाइड करो, 3/7 times i कैप -6/7 times j कैप +2 बाय, मैच करो आंसर, मैच करो। हो गया मैच, कौन सा किया था अभी हमने ये, अच्छा एरिया भी तो है, सॉरी तो एरिया तो एक पास भी से निकलता है, तो जबरदस्ती इनमें पिछले 2-3 क्वेश्चन मैंने देखा कि जबरदस्ती मिसलेनियस का टैग लगाने के लिए लेंदी कर दिया, अभी यार मिसलेनियस की जैसी उसकी कायम रहे, इज्जत का कायम रहेगी, यहाँ मिसलेनियस का क्वेश्चन हूँ मैं। ठीक है, सो आ जाओ, नाउ एरिया पैरेललोग्राम ABCD, जबरदस्ती बढ़ाने का काम है ना, इक्वल टू इज गिवन बाय एडजेसेंट साइड्स ए और बी थी, तो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, पहले ए क्रॉस बी निकाल लेते हैं ना। ठीक है, इसके मैग्नीट्यूड से हमको एरिया पता चलता है, तो लेट्स फाइंड आउट ए क्रॉस बी कैसे निकालते हैं, i कैप j कैप k कैप, और उसके बाद आ जाओ 2 -4 5, 1 -2 -3 करो, -4 -3 12, और ये क्या हो गया -10, तो 12 -10 यानी 12 + 10 22 times i कैप, फिर ये गया और ये गया, -6 -5 -11, और एक माइनस और मिलेगा तो +11 times j कैप, प्लस ये गया ये गया, 2 × -2 is -4, देन -4 + 4 0 times k कैप, डन। तो ये आ गया हमारा ए क्रॉस बी, तो इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो √22 का स्क्वायर 11 का स्क्वायर 0 का स्क्वायर, 22 का स्क्वायर बोलो 4, 11 का 0, तीसरा साल है अभी बोलते बोलते कि स्क्वायर से याद कर लो, आ जाओ करो 4n1 5, 8o2 10, 5n 4n1 5, 8o2 10, remainder 1 5n1 6, √605 को सॉल्व करेंगे, 5 से काटो जरा तो 121, तो 11 √5 यूनिट्स, चेक करो 121 × 5 होता ही। ठीक है, अगले साल तो अपने आप याद करवा ही देगी सिचुएशन, परिस्थितियां याद करवा देंगी स्क्वायर्स, जब आएंगे ना एंट्रेंस एग्जाम सामने और वहां पे काम नहीं चल रहा होगा, और वहां पे आपके 100 बच्चों में 100th रैंक बन रही होगी लास्ट सारे मॉक टेस्ट में, तो फिर लगेगा कि अब थोड़ा कुछ करना पड़ेगा, तो वहां तो करना ही पड़ेगा, तो परिस्थितियां याद करवाए हम खुद ही कर लें, परिस्थितियां तो फिर याद करवाएंगी करवाएंगी, फिर वो मजबूरी लगेगी। आइए क्वेश्चन नंबर 10th के बाद 11th, आइए 11th कल ही कर लिया था हमने है ना एक्स्ट्रा में, 12th देखो फिर, 12th क्वेश्चन को मार्क करो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इवन मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ द एक्सरसाइज, मतलब आज की क्लास का एक्सरसाइज का तो पता नहीं है कल कौन से क्वेश्चन है, अच्छा एक्सरसाइज का 3rd कल डिक्लेयर कर दिया था, ठीक है तो उसको कल की क्लास का मान लो। ठीक है,
आ जाओ, लेट वेक्टर ए इज इक्वल्स टू दिस, बी इक्वल्स टू दिस, सी इक्वल्स टू दिस, डी निकालो। तीन तो खुद ने दे दिए, एक तो निकालो, बताओ उसके बारे में क्या है। ये जो है ना, ए और बी दोनों से परपेंडिकुलर है, तो यानी ए क्रॉस बी है ये। जो वेक्टर दोनों से परपेंडिकुलर होता है वो उन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट होता है, तो यानी डी की वैल्यू तो ए क्रॉस बी हो गई, दोनों से परपेंडिकुलर है, ठीक है। और साथ में सी डॉट डी 15 होता है, साथ में सी डॉट डी क्या होता है, 15 होता है। क्योंकि सुनो, अगर मैं ए क्रॉस बी करूंगा तो जो वेक्टर मिलेगा वो एग्जैक्टली डी हो ऐसा पता, ऐसा जरूरी नहीं, क्योंकि इन दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट से जो वेक्टर मिलता है उसकी डायरेक्शन उससे मिलती है। सुनो, दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, उन दोनों के प्लेन से परपेंडिकुलर एक वेक्टर होता है। तो मैंने कहा वेक्टर डी निकालो, वो जो कि दोनों से परपेंडिकुलर था, तो आपने ए क्रॉस बी निकाल लिया। लेकिन ए क्रॉस बी तो उसकी डायरेक्शन, उसके प्लेन से परपेंडिकुलर डायरेक्शन देगा ना, तो डायरेक्शन तो मिल गई डी को, मतलब उसके पास मैग्नीट्यूड भी है अपना, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड कैसे डिसाइड करें, उसका मैग्नीट्यूड भाई मान लो मैंने डी निकाला, ए क्रॉस बी आ गया। अब ए क्रॉस बी की मान लो मैग्नीट्यूड 10 है, तो जरूरी है कि डी का भी मैग्नीट्यूड 10 है। आपको क्रॉस प्रोडक्ट केवल डायरेक्शन देता है, उसके प्लेन से परपेंडिकुलर डायरेक्शन देता है, क्या देता है, प्लेन से परपेंडिकुलर। अब आपको अगर वेक्टर निकालना है, चौथा अलग से वेक्टर निकालना है, तो उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, ये क्वेश्चन देगा, डायरेक्टली देगा नहीं तो इनडायरेक्टली देगा, या तो डायरेक्टली देगा या फिर इनडायरेक्टली देगा, तो वो इनडायरेक्टली इस इक्वेशन से देगा, ठीक है। ठीक है, हाल फिलहाल के लिए मैं इसका मैग्नीट्यूड कुछ भी मान लूंगा, लाइक लैम्डा मान लूंगा, मान लूंगा। देखो मेरी बात सुनो, जैसे कि ये एक प्लेन है, ठीक है, इस पे दो वेक्टर्स रखे हुए हैं, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, मैंने इनका किया क्रॉस प्रोडक्ट, तो क्रॉस प्रोडक्ट इनके प्लेन से परपेंडिकुलर एक वेक्टर निकलता है, तो ऊपर या नीचे, है ना, तो लेट से ऊपर जा रहा है ना, तो ये डायरेक्शन तो मिल गई, लेकिन डायरेक्शन मिल गई, लेकिन जैसे मैंने ए क्रॉस बी किया तो इस वेक्टर की जो डायरेक्शन थी वो ये थी, और मैग्नीट्यूड था मान लो 10 यूनिट, लेकिन आपको कहा गया कि वेक्टर डी निकालो, तो वेक्टर डी तो इन दोनों से परपेंडिकुलर है, यानी कि जो डायरेक्शन में ये है उसी डायरेक्शन में वेक्टर डी है ना, तो वेक्टर डी तो इधर भी हो सकता है ना, इसकी डायरेक्शन का ही वेक्टर है, और उसका मैग्नीट्यूड इतना भी हो सकता है और थोड़ा इससे ज्यादा भी हो सकता है। आपको वेक्टर निकालना है डी जो कि इन दोनों से परपेंडिकुलर हो, तो इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट एग्जैक्टली वो वेक्टर है ऐसा नहीं है, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट जस्ट उस वेक्टर की डायरेक्शन है, मैग्नीट्यूड इसका कुछ भी हो सकता है। देखो ये वेक्टर भी इन दोनों से परपेंडिकुलर है, मैं एक और बना देता हूँ, ये भी ए और बी दोनों से परपेंडिकुलर है, भाई इसके प्लेन से परपेंडिकुलर है, तो इसके प्लेन से परपेंडिकुलर क्या एक ही वेक्टर है, क्या करोड़ों इनफाइनाइट वेक्टर्स हैं अलग अलग मैग्नीट्यूड वाले, डायरेक्शन वही रहेगी सबकी, जो इस प्लेन से परपेंडिकुलर डायरेक्शन है डायरेक्शन वही रहेगी सबकी, लेकिन मैग्नीट्यूड तो इनफाइनाइट कुछ भी ले सकते हैं ना, तो आपको डी की यूनिकनेस कैसे पता चलेगी कि डी कौन सा है उनमें से, जैसे ये वेक्टर है ना, ये वेक्टर है ए और बी दोनों से परपेंडिकुलर वेक्टर, बताओ, तो यानी इस डेक्स से परपेंडिकुलर वेक्टर चाहिए, प्लेन से परपेंडिकुलर, अब इस प्लेन से परपेंडिकुलर ये वेक्टर भी है, ये भी है, इधर भी है, इधर भी है, इधर भी, बहुत सारे, ये सारे वेक्टर्स इन दोनों से परपेंडिकुलर हैं या नहीं है, इनमें से आपका डी कौन सा है जो मैग्नीट्यूड बताएगा ढंग से, डायरेक्शन तो सबकी सेम है, इस प्लेन से परपेंडिकुलर, मैंने कहा तेरी डायरेक्शन क्या है, इस प्लेन से परपेंडिकुलर, मैंने कहा तेरी डायरेक्शन क्या है, इस प्लेन से, सारे के सारे वेक्टर्स इन दोनों वेक्टर्स बोथ वेक्टर्स से परपेंडिकुलर है, लेकिन मैग्नीट्यूड यूनिकनेस कैसे पता चलेगी कि इन सब में से मेरा डी कौन सा है, जब मैग्नीट्यूड डिसाइड हो, जब मैग्नीट्यूड डिसाइड होगा, समझ गए, जैसे इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड 3 यूनिट था, फिर उधर एक वेक्टर रखा हुआ, इस बॉटल का मैग्नीट्यूड 5 यूनिट था, ये भी इससे परपेंडिकुलर है, फिर स्क्रीन का अलग था, इससे अलग था, इससे अलग था, अब मेरा इसमें से डी कौन सा है, जब आपको मैग्नीट्यूड पता चल जाएगा, तो मैग्नीट्यूड पता करने के लिए एक इन्फॉर्मेशन और चाहिए होगी, या तो कह दे कि उसका मैग्नीट्यूड 10 यूनिट था, 5 यूनिट था, 6 यूनिट था, आगे होकर कह दे, नहीं कह रहा है, एक इक्वेशन दे रहा है सी डॉट डी, यहाँ से निकालो बेटा मैग्नीट्यूड, तो हाल फिलहाल के लिए जो मेरा वैक्टर है उसका मैग्नीट्यूड मैं लैमडा मान लूंगा, क्या मान लूंगा, लैमडा मान लूंगा, समझ गए क्या, हाँ नहीं है, ये ए क्रॉस बी जो है, ये जो वेक्टर बन रहा है इसकी डायरेक्शन और डी की डायरेक्शन सेम, बस बस डायरेक्शन सेम, मैग्नीट्यूड नहीं पता है मुझे, वो ही निकाल के, और एग्जैक्ट डी वेक्टर चाहिए मुझे, फिर वो मैग्नीट्यूड की सी डॉट डी की मदद से निकालना है, और फिर एग्जैक्ट डी वेक्टर मुझे मिल जाएगा, ठीक है, समझ आया। अब ऐसे क्वेश्चन को कैसे करेंगे हम, देखो सबसे पहले तो ए क्रॉस बी निकालो, वो तो करना ही करना है,
तो और एक गिवन इंफॉर्मेशन लिख देता हूँ मैं हेयर, द थ्री वैक्टर्स आर गिवन एस, तीन वैक्टर्स गिवन है मुझे, द थ्री वैक्टर्स आर गिवन एस वैक्टर ए बी एंड सी, ठीक है। अब वैक्टर डी जो है दोनों से परपेंडिकुलर है, किससे, ए और बी से, ठीक है। तो मैं सीधे स्ट्रेट अवे ए क्रॉस बी निकाल लेता हूँ, ठीक है। ठीक है, ए क्रॉस बी, क्योंकि इसकी जरूरत पड़ रही है मुझे। नाउ ए क्रॉस बी निकालते हैं हम, क्रॉस प्रोडक्ट वाले तरीके से, डिटरमिनेंट निकालने के तरीके से। आई जे ठीक है ना, ये डी वेक्टर एग्जैक्टली इनका क्रॉस प्रोडक्ट तब होता है जब ये ऐसे गिवन होता है, डी इक्वल टू ए क्रॉस बी, साफ साफ गिवन होता, तब मैं मानता कि भैया तू इनका क्रॉस प्रोडक्ट है, फिर जो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड है वही तेरा मैग्नीट्यूड है। लेकिन इसने ऐसे नहीं कहा, इसने क्या कहा कि डी वैक्टर ए और बी दोनों से परपेंडिकुलर है, तो ए और बी दोनों से परपेंडिकुलर, तो ए और बी के क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन है डी वैक्टर की, मैग्नीट्यूड नहीं पता अभी तक, है ना। तो आई जे के 1 4 2 3 -2 7 सॉल्व करूं, करो, ये गया ये गया, 28 माइनस -4 यानी +4 32 टाइम्स आई कर, चलते हैं आगे, ये गया ये गया, 1 × 7 7 -6 यानी सिंगल टाइम्स, नहीं माइनस आ जाएगा ना, जेब में माइनस रहता है, फिर से देखो ये गया 7 -6 +1 लेकिन -j कैप, फिर ये गया तो -2 -12 -14 k कैप, यहाँ तो कोई डाउट नहीं है। अब डायरेक्शन तो इससे ले लो, ठीक है। अब वैसे तरीका क्या होता है डायरेक्शन लेने का, इसका कैप निकाल लो, वैसे तो तरीका क्या होता है इसका कैप निकाल लो, लेट्स से मैं इसको वेक्टर ई मार्क कर देता हूँ क्योंकि डी तो मुझे चले, तो ई कैप जो होगा वो उसकी डायरेक्शन देगा, उसका मैग्नीट्यूड 1 होगा, तरीका तो ये। लेकिन सुनो, फिर सपोज करो इसका मैंने ई कैप निकाल लिया, निकाल लिया, अब मैग्नीट्यूड तो है ही नहीं ना मेरे पास, मान लो मैग्नीट्यूड गिवन होता क्लियर कट, 10 यूनिट 50 यूनिट 60 यूनिट, तो मैं 60 टाइम्स 50 टाइम्स ई कैप कर लेता और मेरा डायरेक्टर डी आ जाता, डायरेक्शन इससे ले ली, मैग्नीट्यूड क्वेश्चन में गिवन था, ऐसे किए भी हमने क्वेश्चन, है ना, फाइंड फाइंड अ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 6 यूनिट्स विच इज पैरेलल टू दिस यूनिट, तो उसकी डायरेक्शन ले ली, उसका कैप ले लिया और 6 यूनिट गिवन था। अब यहाँ पे गिवन तो है नहीं, मैग्नीट्यूड मुझे निकालना है, तो लेट्स से मैं इसका मैग्नीट्यूड डी वेक्टर का लैम्डा मान लेता हूँ, क्या मान लेता हूँ, लैम्डा। अब सुनो, लैम्डा मान लेता हूँ तो तरीका तो ये कहता है कि इसका ई कैप निकालो और उसके आगे लैम्डा टाइम्स करो, ये आपका वेक्टर डी है, तरीका तो ये कहता है, और फिर इस वेक्टर डी जो भी आया इसको सी के साथ डॉट प्रोडक्ट करके 15 रखो, तो वहां से लैम्डा सॉल्व, तरीका तो ये कहता है। लेकिन जब हम इससे करेंगे तो कैलकुलेशन बड़ी होगी, क्यों, क्योंकि ई कैप निकालने के लिए 32 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 14 का स्क्वायर, फिर सबको सबसे डिवाइड करो। अब सुनो, लैम्डा तो वैसे भी स्केलर है ना, लैम्डा तो वैसे भी स्केलर है, तो मैं ई कैप से क्यों मल्टीप्लाई करूं, मैं डायरेक्ट ई से मल्टीप्लाई कर देता हूं, वहां से लैम्डा की वैल्यू ऑटोमेटिकली ऐसी एडजस्ट होकर आ जाएगी, मेरे को लैम्डा की वैल्यू होना चाहिए, लैम्डा तो मेरी मानी हुई क्वांटिटी है, लैम्डा तो मेरी मानी हुई क्वांटिटी है, तो मैं लैम्डा की को ई कैप से ना मल्टीप्लाई करके ई वैक्टर से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। नहीं आप समझ में, देखो सुनो ध्यान से, अभी जो मैंने ए क्रॉस भी निकाला है वो वैक्टर ई है, मान ले तेरा मैग्नीट्यूड कुछ भी आया 10 यूनिट आया, अब मैं जो वेक्टर डी चाहिए, ध्यान से सुनना, जो तेरी डायरेक्शन लेता है और इसका मैग्नीट्यूड मुझे पता नहीं है, इसका मैग्नीट्यूड मैंने मान लिया लैम्डा, मान लिया, तो अगर मैं ई वेक्टर से ई कैप निकालूं, क्या निकालूं, ई कैप, और फिर उससे मेरा मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई करूं, तो वहां से लैम्डा की कुछ वैल्यू आएगी, वो डायरेक्ट मेरा मैग्नीट्यूड हो जाएगा डी का। लेकिन मैं ई कैप ना निकाल के, मैं ई कैप ना निकाल के लैम्डा को वेक्टर ई से ही मल्टीप्लाई कर दूं, तो अब जो मेरा वेक्टर बना है वो 10 गुना बना है, तो मेरा लैम्डा 1/10 आ जाएगा पिछले वाले लैम्डा से, जो पहले लैम्डा की वैल्यू आ रही थी अब वाली लैम्डा पिछले वाले वैल्यू की 1/10 आ जाएगी, तो मुझे लैम्डा की वैल्यू तो वैसे भी नहीं निकालनी ना, मैं तो एंड में तो लैम्डा को उससे मल्टीप्लाई करके वेक्टर ही बनाऊंगा ना, तो पिछले केस में लैम्डा की वैल्यू लेट से कुछ भी आती 10 आती, तो अभी मेरी लैम्डा की वैल्यू 1 आ जाएगी, इसकी 1/10 आ जाएगी, तो 10 को उससे मल्टीप्लाई करो या 1/10 को उससे मल्टीप्लाई करो, वेक्टर तो सेम ही बनेगा, ठीक है। नहीं समझ आया अभी भी, देखो ये वेक्टर है, इसकी डायरेक्शन ये है,
मेरा एक और वेक्टर है, उसका मैग्नीट्यूड पता नहीं क्या है ना। अब ये डायरेक्शन पता है, मैग्नीट्यूड नहीं पता। अब एक मैग्नीट्यूड पता होता है तो क्या करते हैं, इसका यूनिट वेक्टर ले लेते हैं मैग्नीट्यूड से डिवाइड करके, और डायरेक्शन मैग्नीट्यूड मेरे से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो लंबा वेक्टर आ जाता है। अब मेरे को मैग्नीट्यूड तो पता नहीं कितना लंबा लूँ, ये तो मुझे पता नहीं है, ये किससे पता चलेगा, एक इक्वेशन से पता चलेगा। तो मैंने मैग्नीट्यूड मान लिया लैम्डा, तो लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी जब, है ना, लैम्डा में लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी, उसको मैं उसकी डायरेक्शन से मल्टीप्लाई करके मेरा एग्जैक्ट वेक्टर निकाल लूंगा, है ना। ये है, जैसे मान लो इसकी मैग्नीट्यूड 5 यूनिट है ना, तो अगर मैं इसका यूनिट वेक्टर निकालूं और उसको लैम्डा से मल्टीप्लाई करूं, तो लैम्डा इंटू दैट यूनिट वेक्टर की वैल्यू लेटर से 20 आ रही है, लेकिन मैं यूनिट वेक्टर ना मल्टीप्लाई करके पूरे वेक्टर से ही लैम्डा को मल्टीप्लाई कर दूं, तो पहले तो मैं एक यूनिट से मल्टीप्लाई कर रहा था, अभी मैं 5 यूनिट से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो जो लैम्डा की वैल्यू मेरी पहले आनी थी, अब लैम्डा की वैल्यू वो 1/5 आएगी आएगी, तो आ जाने दो, हमको लैम्डा की वैल्यू थोड़ा चाहिए, लैम्डा की वैल्यू वो आ रही है या 1/5 आ रही है हमको थोड़ा चाहिए, हमको तो अल्टीमेटली जो भी आपकी लैम्डा की वैल्यू आ रही है उसको उस डायरेक्शन से मल्टीप्लाई करके वैक्टर बनाना है। तो वैक्टर बनाना है तो मैं जरूरी थोड़ा कि यूनिट वैक्टर निकालने वाले प्रोसेस में जाऊँ, मैं सिंपली जो वैक्टर है उसी को लैम्डा टाइम्स कर देता हूँ। चलो ऐसे देखो, ऐसे देखो, ये वैक्टर है मेरा, वैक्टर कहीं लंबा चौड़ा है, दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो ये वैक्टर इसका लैम्डा टाइम्स है, ये वैक्टर इसका लैम्डा टाइम्स नहीं होगा, तो मेरा वेक्टर मैं इसका लैम्डा टाइम्स मान लेता, अभी समझ में आया। और लैम्डा टाइम्स कितना टाइम्स, वो लैम्डा की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो और इन शॉर्ट याद रखो, मैग्नीट्यूड गिवन ना हो, मैग्नीट्यूड गिवन हो तब तो कैप निकालना जरूरी है, तो क्योंकि मैग्नीट्यूड गिवन है उसको कैप से मल्टीप्लाई कर, मैग्नीट्यूड ही गिवन ना हो तो फिर हमको कैप निकालने की जरूरत नहीं है, हम जबरदस्ती लेंथ, उससे भी आंसर तो आएगा लेकिन कैलकुलेशन बड़ी हो जाएगी, कैप निकालने के प्रोसेस में जाएंगे और फिर कैप निकाल के प्रोसेस में जाने के बाद फिर लैम्डा से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर सी डॉट डी निकालेंगे, ठीक है, क्लियर है सारी बात। ओके सो मैं कहाँ तक आ चुका हूँ, मैं यहाँ तक आ चुका हूँ। अब सब बच्चे इसमें की ई कैप निकालते हैं, लास्ट ईयर भी बहुत परेशान हुए थे, ई कैप निकालने लग गए, तो आंसर तो आया लेकिन 10 मिनट बाद आया। ई कैप निकालने के लिए 32 का स्क्वायर किया, ये किया वो किया, फिर वही लैम्डा मैग्नीट्यूड मान लिया, फिर सी डॉट डी किया, फिर 15 किया, वहां से लैम्डा निकाला। अब मैं क्या करूंगा, देखो मैं नहीं निकाल रहा ई कैप, मैं क्या कर रहा हूँ, वैक्टर डी और वैक्टर ई की डायरेक्शन सेम है, तो मैं सिंपली वैक्टर डी को वैक्टर ई का लैम्डा टाइम्स मान लू, खत्म कहानी। ओके नाउ इट इज गिवन दैट, ये लास्ट वाला जो स्टेटमेंट का इससे क्लियर हुआ है ना, भाई दो वैक्टर्स, अगर दो वैक्टर्स की डायरेक्शन सेम है तो एक वैक्टर दूसरे का लैम्डा टाइम्स होगा, अभी तो क्लियर है ना। नाउ इट इज गिवन दैट कि वैक्टर डी इज इन द डायरेक्शन ऑफ वैक्टर ई, वैक्टर डी इज इन द डायरेक्शन ऑफ वैक्टर ई, जो कि एक क्रॉस बी है। सो वैक्टर डी इज कैन बी रिटन एज लैम्डा टाइम्स वैक्टर ई फॉर सम स्केलर लैम्डा। अब यहाँ पे लैम्डा मैग्नीट्यूड नहीं है, कोई स्केलर है ना, वो स्केलर आपको पता करना है। अगर आप कैप निकाल लेते हो तब लैम्डा को एग्जैक्टली मैग्नीट्यूड मानना पड़ेगा, कि मान ले तेरा मैग्नीट्यूड लैम्डा है, एग्जैक्ट मैग्नीट्यूड, यहाँ पे लैम्डा इसका मैग्नीट्यूड नहीं है डी का, वेक्टर ई का कुछ गुना है, तो वो गुना है यहाँ पे, वो लैम्डा फॉर सम स्केलर लैम्डा, समझ आया, अभी क्लियर है। कैप निकालोगे तो लैम्डा को एग्जैक्टली मैग्नीट्यूड मानोगे, यहाँ पे लैम्डा को एग्जैक्टली मैग्नीट्यूड नहीं मान रहे, ई का कुछ गुना है, तो वो कुछ गुना मान रहा हूँ मैं स्केलर, ठीक है, फॉर सम स्केलर लैम्डा। आज स्कूल की छुट्टी है, आप कर रहे हो, आपके लेट आने से पता चल गया था, और कोई आया क्या बाहर, देखो नहीं आया, अच्छा फॉर सम स्केलर लैम्डा, तो वेक्टर डी इक्वल टू लैम्डा टाइम्स वेक्टर ई, दैट इज अ वेक्टर डी निकाल लो, दैट इज वेक्टर डी इक्वल टू उसका लैम्डा टाइम्स कर दूं मैं, तो करो 32 लैम्डा टाइम्स आई कैप, ऐसे लिखेंगे, माइनस लैम्डा टाइम्स जे कैप, -14 लैम्डा टाइम्स, ये आ गया वेक्टर डी, लैम्डा की फॉर्म में आया है, लैम्डा सॉल्व करो, वेक्टर डी सॉल्व है, करेक्ट, आपका काम है लैम्डा स्केलर लैम्डा निकालना, उसको यहाँ पुट अप कर दोगे, वेक्टर डी जो चाहिए था फाइनल आ जाएगा। अब लैम्डा कैसे सॉल्व करूँ, इक्वेशन एक और भी तो है, सी डॉट डी बराबर 15, सी का भी तो इस्तेमाल करो, ये शो पीस के लिए थोड़ा है, सी का तो इस्तेमाल किया ही नहीं अभी तक, ठीक है ना। नाउ ऑल्सो इट इज गिवन दैट, ऑल्सो इट इज गिवन दैट, वॉट इट इज गिवन, सी डॉट टी इक्वल टू 15, सी का और डी का डॉट प्रोडक्ट 15 है, तो सी तो ये रहा, नहीं सी वो रहा और डी ये रहा, दैट इज, तो सी लिख दो अलग, डी लिख दो अलग, सी क्या है 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 4k कैप का
ये माइनस है ना, डॉट प्रोडक्ट डी अभी अभी निकाला है मैंने लैम्डा की फॉर्म में, 32 लैम्डा टाइम्स आई कैप माइनस लैम्डा टाइम्स जे कैप माइनस 14 लैम्डा टाइम्स के कैप इक्वल टू 15, यस और नो? इस सेक्शन पे आ जाओ तो यहाँ से लैम्डा सॉल्व हो जाएगा। तो डॉट प्रोडक्ट का मतलब स्केलर कंपोनेंट्स का प्रोडक्ट, तो 2 × 32 लैम्डा इज गिव्स मी 64 लैम्डा। आई कैप क्यों? डॉट प्रोडक्ट में तो स्केलर कंपोनेंट्स का डॉट प्रोडक्ट कभी भी आपको वेक्टर क्वांटिटी थोड़ा ना देगा, स्केलर क्वांटिटी देगा। तो देर विल बी नो आई आई कैप इंटू आई कैप, तो मैग्नीट्यूड ऑफ आई कैप यानी 1 हो चुका है। -1 × -λ प्लस लैम्डा 4 × -14λ गिव्स मी -56λ इक्वल टू कितना गिवन है 15। सो 64 में से 56, 64 में प्लस 1 जोड़ा 65, 65 में से 56 गया, तो 5 और 4 9, 9λ बचे इक्वल टू व्हाट 15। सो फ्रॉम हेयर लैम्डा इज गिवन एज 15/9, दैट मीन्स 5/3। हाँ अब ये लैम्डा यहाँ पे मैग्नीट्यूड नहीं है हमारे वेक्टर का, ये तो एक स्केलर है जिससे डी वेक्टर जितना मतलब ये वेक्टर इसका 5/3 गुना है, तो कितना गुना है वही तो पता करना था ना। सो फाइनली वेक्टर डी निकालूंगा तो मैं लैम्डा की जगह हर जगह 5/3 रख दूंगा, मेरा फाइनल रिजल्ट है वेक्टर डी हो जाएगा। समझ आया? तो इस सेक्शन पे आ जाओ जहां पर भी अब स्पेस है हमारे पास, ठीक है। वेक्टर डी इज गिवन बाय, फाइनल वेक्टर डी बता रहा हूं मैं आपको, वेक्टर डी इक्वल टू, आप 2 स्टेप में बताना, पहले लिख देना फिर लैम्डा की वैल्यू पुटअप करना, मैं डायरेक्ट पुटअप कर रहा हूँ। तो लैम्डा 5/3 पुटअप करो, तो 32 × 5/3 कट नहीं रहा, तो 5 × 2 = 10, 160/3 टाइम्स आई कैप, ठीक है। फिर माइनस लैम्डा है तो -5/3 टाइम्स जे कैप, एंड फाइनली -14 × 5/3 भी नहीं कटेगा, तो -70/3 टाइम्स के कैप। चेक करो आंसर, हाँ ये लास्ट ईयर भी दिक्कत थी, ये हमारा आंसर करेक्ट है। अब आप है ना सी डॉट डी करो, 15 आ रहा है क्या? अगर सी डॉट डी 15 आ रहा है तो सही है, नहीं है इसको फिर आप किसी उससे चेक करना, रिफ्रेशर से या फिर किसी और बुक से, तो उसमें यही आंसर आ रहा है। देखो सी डॉट डी करो, सी का है ये रहा, 2 × 160/3 कितना होता है 320/3, फिर -1 × -5/3 प्लस 5/3, फिर 4 × -4 = 28 -280/3, ये 15 आना चाहिए, सी डॉट डी 15 आ रहा है ना, तो 325 में से 320 में से 280 गया, तो 40, 40 और 5 = 45/3 इसमें 15 वेरीफाई हो गया ना, क्रॉस वेरीफाई हो गया, सी डॉट डी 15 दैट मीन्स हमारा आंसर। अगर मैं उसको प्लस कर दूं, अगर मैं उसको प्लस कर दूं तो यहाँ प्लस नहीं हो जाएगा, प्लस हो जाएगा तो फिर 15 कैसे आएगा, ठीक है ना। चलो जी, तो काफ़ी है, इक्वेशन 12 को मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क कर लो आपको, है ना। ऐसा ही अगला है, चलो फिर उसको कल करें। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड बाय।